हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपोलो होम्योपैथी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है फैटी लीवर, लीवर में सूजन, हिपेटोमेगैली, जो कि अल्कोहल की वजह से और नॉन अल्कोहलिक दोनों होता है, मोस्टली अल्कोहल की वजह से होता है। इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे कुछ टिप्स बताएंगे, घरेलू नुस्खे बताएंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो बहुत बढ़िया एक्ट करती है और जो भी टॉक्सिन्स है लीवर से वो फ्लश आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हिपेटोमेगैली, फैटी लीवर। फ्रेंड, बात करते हैं लीवर की। लीवर हमारे दाहिने साइड में और चेस्ट के नीचे थोड़ा सा, और जो लास्ट रिब है, चेस्ट की जो हड्डी है लास्ट वाली, वहाँ पे होती है। और इसका जो नॉर्मल वजन होता है वो 1.5 kg के नियर अबाउट होता है, 1.5 kg से 2 kg तक होता है मैक्सिमम इसका जो एवरेज वेट है। लीवर का फ्रेंड्स बात करें, जो फंक्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसे ऐसे रसायन एंजाइम जो है बनाता है जो कि पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन में बहुत बड़ा इसका रोल है। और मैक्सिमम हार्मोन्स, एंजाइम, बाइल, ये सब लीवर में बनता है। ये हमारे शरीर का केमिकल फैक्ट्री है, इसको हम एक प्रकार से केमिकल फैक्ट्री मानते हैं, जिस जो कि डाइजेशन में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है, जिगर सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। और इसमें बाई गार्ड इतना ज़्यादा इसमें रिजर्वेशन पावर होता है कि अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाए या थोड़ा बहुत लीवर में डैमेज हो जाए, ये खुद अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, अपने आप को मजबूत बना लेता है। लेकिन जब बियॉन्ड लिमिट अगर आपका लीवर ख़राब हो गया है तो वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इसीलिए लीवर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्गन है, बहुत बड़ा इसका रोल है। और बीमारी में अगर लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। इसका बहुत बढ़िया कोई उपाय नहीं होता कि लीवर ख़राब हो जाए हम उसको बदल दें या कुछ ऐसी मेडिसिन। जब वो इरिवर्सिबल कंडीशन में जाता है जिसमें सिरोसिस हो जाता है, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए फ्रेंड बात करते हैं जो लीवर में बीमारियाँ होती हैं। फ्रेंड्स, लीवर में दो तरह का लीवर में सूजन होता है, फैटी लीवर होता है, एक होता है अल्कोहलिक, एक होता है नॉन अल्कोहलिक। तो फ्रेंड्स बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक जो है उसमें अगर हम डाइट को मेंटेन करें, नॉन अल्कोहलिक मतलब होता है जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, अगर उनके लीवर में सूजन है, हिपेटोमेगैली है, फैटी लीवर है, उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड जो नॉन अल्कोहलिक है उनके फैटी लीवर जो होता है वो बहुत माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा फैटी लीवर नहीं होता है, हिपेटोमेगैली हो सकती है। अगर कभी अल्ट्रासाउंड कराते हैं या उनको हैवीनेस होती है तो पता चलता है कि हिपेटोमेगैली है, फैटी लीवर है। उसमें अगर नॉन अल्कोहलिक है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने डाइट को मेंटेन करना है, वो हरी सब्जी खाएं, तली भुनी चीज़ें न खाएं, बाहर का जो पैक्ड खाना है उसको न खाएं, और फ्राइड फूड न खाएं, तेल का परहेज करें, हरी सब्जी खाएं, पानी पिए और साइट्रस फल लें जैसे नींबू, आंवला, ये सब लें, तो बिल्कुल 3-4-5 महीने में वो सही हो जाता है। अब बात करते हैं जो अल्कोहलिक लीवर है, जिसको बोलते हैं ARLD, अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज। इसकी जब बात करते हैं फ्रेंड, ये हम बता रहे हैं जो एक्सेसिव ड्रिंकर है, जो एक्सेस अल्कोहल ले रहे हैं उनमें होता है। और दूसरी बात, एक चीज़ और बता दें फ्रेंड आपको, जिनका न्यूट्रिशन वीक है, जिनकी पाचन शक्ति बहुत ही कमज़ोर है, वो अल्कोहल लेते हैं तो उनको जल्दी जो है लीवर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका पाचन वीक होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते चीज़ों को, तो उनमें समस्याएँ ज़्यादा आती हैं। अब बात कर रहे हैं कि इसमें कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में रखा जाता है फ्रेंड अल्कोहलिक लीवर को, 3 कैटेगरी में रखते हैं। पहला हम वो रखते हैं जब फैट स्टोर होता है लीवर में, उसके लीवर सेल्स के चारों तरफ फैट जब इकट्ठा होने लगता है वो पहला स्टेज होता है, उसमें फैटी लीवर शो करेगा और हिपेटोमेगैली शो करेगा। दूसरा स्टेज होता है एक्यूट हेपेटाइटिस, जब लीवर में फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसके सेल्स को डिस्टर्ब करने लगता है, उसमें जलन, दर्द, सूजन आने लगती है, वो होता है एक्यूट हेपेटाइटिस की जो मेडिसिन होती है वो डिपेंड करता है केस के ऊपर, केस कितना जो है ज़्यादा है, कितना बिगड़ा है। थर्ड स्टेज जो आता है लीवर सिरोसिस,
वो स्कैरिंग की वजह से होता है। जब लीवर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, स्कैरिंग की वजह से लीवर सिरोसिस होता है जो कि इरिवर्सिबल कंडीशन है। तो मैं सिर्फ एक्यूट हेपेटाइटिस तक, जो फैटी लीवर ग्रेड सेकेंड तक या मैक्सिमम बहुत होगा थर्ड तक मैं इसको रिकवर कर सकता, उसके बाद नहीं हो पाता है, ये कैटेगरी है। अब बात करते हैं फ्रेंड कि इसमें सिम्टम क्या मिलेगा। अगर आप एल्कोहल एक्सेस एल्कोहल लेते हैं, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो आप कैसे जानेंगे कि आपको लीवर की समस्या हो रही है। शुरुआती कंडीशन में होता क्या है, भूख कम लगेगी, थकान लगेगी, नोजिएटिंग होगी, वोमिटिंग सी फील होगी, और कभी कभी लीवर के पार्ट में दर्द होता है, राइट साइड में सीने के नीचे हल्का सा जलन या दर्द होता है। शुरुआती कंडीशन ही होता है। जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ लोगों में फ्रेंड एसिम्प्टोमेटिक होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें लीवर अगर डैमेज हो रहा है तो कोई सिम्टम नहीं आता, वो लीवर अपने आप जनरेट करता रहता है। ये कंडीशन ऐसी आती है जब वो नहीं कर पाता तभी सिम्टम शो करता है, तब तक लोगों को लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा लीवर बहुत मजबूत है, बट वो अचानक से सिम्टम आते हैं जब वो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके बाद सिम्टम शो करता है। इसलिए अगर मेरा एक सलाह है, अगर आप एक्सेसिव ड्रिंकर हैं तो हमेशा अपना चेकअप कराते रहें। और बात कर रहे हैं फ्रेंड कि जब अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तो उसमें क्या लक्षण आते हैं, वोमिटिंग होगी, माउथ ड्राइनेस होगा, भूख नहीं लगेगी, पेट में दर्द होगा, पेट में सूजन हो सकता है, एंकल में सूजन, एड़ियों में सूजन होता है, येलोई आपका जो चेहरा स्किन है वो येलो सा होने लगता है, और आंखें येलो होने लगती हैं, ज्वाइंटिस के लक्षण दिखते हैं, और इतना ज़्यादा वीकनेस होगी कि उनको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, ड्राउजनेस फीलिंग होगी, चक्कर से आएंगे, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा उनका। ये लेटर स्टेज में ये सब कंडीशन आती है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि मेडिसिन को तुरंत चालू किया जाए, अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, अल्ट्रासाउंड करें, जो भी चेकअप बताया वो करें। तो सबसे पहले क्या देखना है, अगर लीवर के रीजन में आपको दर्द हो रहा है, हैवीनेस फील हो रही है, भूख कम लग रही है आपको, और थकान लग रही है, तो ये सब चीज़ काउंट करने वाली चीज़ें हैं। अब अगर ये सब कंडीशन आपको लग रही है या कोई डॉक्टर बता रहा है, आपको कंडीशन लग रही है, डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है, तो उसमें डॉक्टर आपको जांच जो करवाएगा, अल्ट्रासाउंड करवाएगा या सीटी एब्डोमेन का सीटी स्कैन करवाएगा, एलएफटी करवाएगा और सीबीसी की जांच करवाएगा। तो एलएफटी में पता चल जाएगा इसका फंक्शन क्या चल रहा है, और सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड से भी पता चलेगा कितना ज़्यादा लीवर जो है बड़ा हो गया है, कितने ग्रेड का फैटी लीवर है। तो फ्रेंड एक चीज़ बता दें, जब एलएफटी कराते हैं तो जो ईएसटी का रेशियो है, ईएलटी का डबल अगर हो जाता है, ये श्योर हो जाता है कि लीवर जो है आपका डैमेज हो रहा है। ये बहुत काउंट करने वाली चीज़ें हैं, अगर ईएसटी का रेशियो ईएलटी से ज़्यादा होता है तो लीवर डैमेज हो रहा है, काफ़ी हद तक डैमेज हो रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें और क्या करेंगे आप। अब इसकी जो हमारे पास टिप्स हैं होम्योपैथिक मेडिसिन उसकी बात करते हैं फ्रेंड। टिप्स के तौर पे सबसे पहली चीज़ दो चीज़ में करनी होती है, पहला तो स्टॉप करेंगे एल्कोहल, एल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, ये पहली स्टेप होगी। दूसरी स्टेप होगा मैनेज करने का, उसमें आप घर में जो चीज़ें हैं जैसे हल्दी है, एक आधा चम्मच हल्दी हल्के गुनगुने पानी में, उसको सुबह पी सकते हैं खाली पेट, और या तो एक नींबू आधे गिलास गुनगुने पानी में उसको रोज़ सुबह एक गिलास लें, या तो आप दो कली लहसुन की दो कली रात में सोने के पहले वो ले सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि टॉक्सिन्स जो लीवर में टॉक्सिन्स हैं उसको फ्लश आउट करेगा। और एक्सरसाइज आपको करनी, रोज़ 20 मिनट एक्सरसाइज करिए आप। तली भुनी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, बाहर का पैक खाना ये सब बिल्कुल छोड़ देना है, आपको नहीं खाना है, एकदम छोड़ देना। हरी सब्जी दाल रोटी खाए, स्मोकिंग नहीं करनी है, एल्कोहल नहीं लेना है, किसी तरह कोई नशा नहीं लेना है, फैटी फूड फ्राइड फूड और तली भुनी चीज़ें ये सब नहीं लेना, स्टॉप कर देना है। तो पहला हो गया स्टॉप प्रोसेस, जिसमें कि हम एल्कोहल और स्मोकिंग स्टॉप करेंगे। दूसरा मैनेज में क्या करेंगे, आप इसमें से कोई एक ले सकते हैं, हल्दी नींबू या लहसुन आंवला का जूस ये सब ले सकते हैं। दूसरी
क्या है, हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत बढ़िया एक्ट करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपको लेना है। क्या लेना है? कार्डुअस, कार्डुअस मदर टिंचर का 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 5 मिनट पहले आपको लेना है। दूसरी जो मेडिसिन लेनी है चिलीडोनियम, चिलीडोनियम क्यों 10 बूंद सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम को, ये एक ही पानी में दोनों मेडिसिन ले सकते हैं, कार्डुअस और चिलीडोनियम दोनों मेडिसिन एक पानी में, एक कप पानी में 10 बूंद इसकी, 10 बूंद चिलीडोनियम की, 10 बूंद कार्डुअस की ले सकते हैं। और इसके साथ जो लेना है नेटम सल्फ 6x, नेटम सल्फ 6x की 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को लेनी है नेटम सल्फ 6x। नक्स बोम का 30, नक्स बोम का 30 की 2 गो सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को लेनी है। ये मेडिसिन आपने नोट कर लिया, कार्डुअस, सेलिडोनियम, नक्स और नेटम सल्फ, ये मेडिसिन आपको श्योर लेनी है। आपको ये मेडिसिन 3 महीना खानी है फ्रेंड्स, 3 महीना जो है मेडिसिन आपको खानी है। और आपका 3 से अगर ज़्यादा कंडीशन लगता है कि फैटी लिवर है तो आप इसको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक ले सकते हो और आपका लीवर बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, जो भी टॉक्सिन्स है वो निकल जाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको परहेज, एक्सरसाइज और मेडिसिन, ये तीनों काम करना है फ्रेंड बेटर रिजल्ट के लिए, ये तीनों काम करना है और अल्कोहल को स्टॉप कर देना है। तो फ्रेंड्स अल्कोहलिक लीवर में बस इतनी बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी और इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगली वीडियो तक का इंतजार करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड डे एंड